तो ये ले लिया फाइनली जो। सो हे गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और अभी बज रहे हैं 2:15, मैं फिर निकल गया हूँ बाहर। कल का तो अपने लास्ट वीडियो जो देखा था उसमें तो आपने देखा था हम कहाँ घूम फिर के आए थे, तो वो काफ़ी अच्छी जगहें थी। कल काफ़ी अच्छा लगा वहाँ घूम के। और आज थोड़ा सा वैसे शॉपिंग टाइप के लिए निकले हैं, थोड़ी लग्जरी चीज़ों की, लग्जरी बेसिकली बैग्स वगैरह थोड़े देखने हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिकली निकला हूँ। और अभी एक तो यार दो चीज़ हो गई, एक तो सनस्क्रीन लगाना भूल गया बिल्कुल, और चश्मे भी भूल गया। धूप इतनी बहुत बहुत ज़्यादा चुपती है धूप यहाँ पे, पता नहीं। तो बस अभी पहले गैस के शोरूम जा रहा हूँ मैं, तो स्क्वायर वन पे ही है, और पहले वहाँ जाऊँगा, फिर स्क्वायर वन पे एक काम और है, कार्ड का बारे में पता करना है, वो करूँगा, फिर उसके बाद निकलूँगा गैस का जो फैक्ट्री आउटलेट है, फैक्ट्री आउटलेट्स भी हैं यहाँ पे उनके, तो वहाँ जाऊँगा। तो यही है कि देखते हैं कि शोरूम और फैक्ट्री वाइज को कितना फ़र्क पड़ता है और उनके प्राइसेस में कितना डिफरेंस रहता होगा, वही एक बार देखता हूँ, जा कर देखता हूँ पहले कि क्या है कितना है। और इतनी शक्ल के हाल खम हो गए ना यहाँ पे, दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ हुई है, बस इसको रिटर्न करूँगा अभी एक दो दिन में, क्योंकि आज तो काफ़ी कल जैसा ही एकदम क्लियर है इसका है, और वही अपना ब्रिज रोड स्क्वायर वन के। वैसे मेरी एक ना एक्सपेक्टेशन है कि यार इंडिया से तो 50% ऑफ होना चाहिए, सुना भी बहुत है कि बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट्स मिलता है, तो बाकी देखते हैं। और एक इधर टोरंटो में भी है, टोरंटो से जब हाईवे के साइड जाते हैं तो बताया था कि थोड़ा दूर है, बट वहाँ पे भी एक आउटलेट मॉल है, जो वो वाला है ना, वो मतलब सारे लग्जरी, मतलब एक्सट्रीम लग्जरी ब्रांड्स का है, तो उसको प्रीमियम आउटलेट मॉल बोलते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे गुची, प्राडा, लुई वुइटन का है, फिर माइकल कोर का भी है, बस मतलब सारे ब्रांड्स हैं। तो देखो किस दिन अगर जाना हो पाया तो उधर भी जाके दिखा दूंगा। वहाँ पे क्या है कि सिटी की बसेस नहीं जाती, तो वहाँ पे जाने के लिए बेसिकली आपको या तो आप इंटरसिटी वाली बसेस हैं, नहीं तो कैब ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है वैसे वहाँ पे जाने की। तो देखता हूँ किसी दिन नेक्स्ट मंथ या तो मैं जाने का ट्राई करता हूँ कि सेप्टेम्बर के बीच में, कि कभी भी जाना हो तो मैं वहाँ पर भी आपको दिखाऊँगा लग्जरी वाला। ये स्क्वायर वन की दूसरी एंट्रेंस है 7 नंबर वाली, देखो फूल वगैरह कितने अच्छे हैं, मतलब फाउंटेन है सब यहाँ से एंट्रेंस है। मॉल में तो आ गया, बट गैस का शोरूम भी इतना दूर है ना, इतना चलते हैं मन को पता नहीं है। तो जी आ गया अभी मॉल से बाहर, और जो चीज़ देनी थी ना वो मिली नहीं, मतलब उसका सेम कलर्स नहीं मिले। तो मेरे को उनने भी ये बोला कि आप फैक्ट्री जो स्टोर होते हैं इनके गेस्ट के, आप वहाँ जा सकते हो। तो यार मिसिस आगे में ये एक घंटा दूर है यहाँ से, तो यहाँ पीछे बस टर्मिनल है, मैं दिखाता हूँ, तो वो देखो वो उधर ही बस टर्मिनल है, तो यहाँ से बस लेके जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ आएंगे। देखो अभी बस बाहर आके बैठा था, थोड़ी धूप अच्छी लग रही है, गर्म गर्म सा 16-17 डिग्री के आसपास हो रखा है ना यहाँ पे, तो मतलब बढ़िया लगता है। अब इसे दिन में है, देखो दिन में तो 24 है, और ये धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है बच्चे खेल रहे हैं फाउंटेन में। तो ओवरऑल वैसे देखो इंडिया से तो रेट्स कम है, और कुछ चीज़ों पे ऑफ भी चल रहा है, तो जैसे है तो सही, बैग्स वगैरह सस्ते तो हैं, क्योंकि जो बैग हैं जैसे 7-8 थाउजेंड का, 9 थाउजेंड का मिल रहा है, वो इंडिया में 15-20 हज़ार के आसपास का आता है। तो जैसे मेरे को इतना ज़्यादा इनका आइडिया है नहीं बैग्स वगैरह का, बट स्टिल तो अभी चलते हैं फैक्ट्री। तो कार्ड का भी मेरे को एक कराना है, तो कार्ड के लिए पहले कराऊँगा फिर फैक्ट्री जाता है। तो ये बस टर्मिनल की एंट्रेंस है, 61 नंबर अपने को बस लेनी है यहाँ से, और वो सीधा अपने को उधर ले जाएगी। अभी वो बटन दबा दिया उस लड़की ने, तो अभी हो जाएगी लाइट ग्रीन, फिर चलते हैं। तो ये अपनी बस है हमारे प्लेटफॉर्म पर, इसको लेकर जाना है, पर कार्ड में कर लेता हूँ बस, अभी इसी में बैठ के अपने को 1 घंटा दूर जाना है, फिर आ जाएगा आउटलेट में जो फैक्ट्री मॉल है। तो ये देखो मैं ये आ गया, ये कितना बड़ा देखो प्लाजा है, इसमें बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं स्पेशली जो आया हूँ, एक वो टॉम हिलफिगर का फैक्ट्री है, उधर गैस का है, और अपना इसका भी है, कैल्विन क्लेन का भी है। तो
तो ये सारे इनके फैक्ट्री वाले हैं। तो फैक्ट्री वालों में क्या होता है कि ना थोड़ा सा आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बाहर आ गया, थोड़ा सिटी से बाहर का है ये मतलब एरिया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, पीछे की साइड भी देख नहीं रहा हूँ, उधर पीछे भी बहुत सारे स्टोर्स हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, ये रहा गैस, इसकी देखते हैं क्या प्राइस है, कितने में मिलता है। वहाँ तो देख ही लिया, तो क्रॉस करके जाकर देखते हैं अंदर। डिस्काउंट में भी तो नहीं है, सब कुछ फ्रेश में ही है यहाँ पे गैस के स्टोर में। और जो बैग्स और जो पत्ते देखे थे वो तो देख लिया मैंने, और एक दो चीज़ें लेनी है वो ले लूँगा, फिर आपको बताता हूँ टोटल कितना डिफरेंस आया। ये वाला बैग मैं और इंडिया से तो काफ़ी अच्छी प्राइस पर मिल गया मेरे को, इंडिया से तो बहुत अच्छी प्राइस है यहाँ की, और फ्रेश में है यहाँ पर, तो डिस्काउंट नहीं है उसको। बाकी बिल कराता हूँ, बाहर बताता हूँ आपको कितना आया। हाँ जी, तो बैग मैंने ले लिया है यहाँ से, और प्राइसेस का मैं ऐसे बताऊँ ना अगर आपको, कि इंडिया से आपको लगभग 60% ऑफ में मिल जाएगा। मतलब अब मैं ऐसे हर चीज़ की तो देखो मैं नहीं बता सकता कि हर मॉडल इंडिया में एग्जैक्ट कितने का और यहाँ पे कितने का, बट जैसे मैंने ये लिया उसमें लगभग मेरे को 55-60% ऑफ था यहाँ पर। और जैसे स्टोर पर नहीं था, जहाँ पहले मैं मॉल में गया था ना वहाँ पर नहीं था, बट जैसे ऐसे जो इनके फैक्ट्री आउटलेट्स हैं ना, देखो सारी कंपनीज के फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, तो यहाँ पे आपको फिर भी थोड़ा सस्ता। देखो वाइनियर्स है इसमें भी मैं गया था, मतलब यहाँ मैं दो चार में गया, तो फिर मैंने देखा कि ऑन एन एवरेज 55-60% जैसे है ना चीज़ें वो सस्ती हैं इंडिया के कंपेरिजन में। तो आप ऐसा लगा सकते हो कि हाँ यार, क्या अगर कोई चीज़ इंडिया में 20,000 रुपये की, तो यहाँ आपको 10-11,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। कैल्विन क्लेन और जैसे टॉमी फिगर है, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं था, जो मॉल्स में जितना होता है ना उतना ही था लगभग, मतलब उससे मान लो $20-25 कम था। जैसे अगर मॉल में 10% ऑफ है तो यहाँ 30% ऑफ है, 20% 25% ऑफ है, इतना फ़र्क है। तो बस अब यार सामान वामान जैसे मैंने आपको दिखाई दिया मैंने ले लिया, तो आपको इस डिस्काउंटेड प्राइसेस पर आपको यहाँ पर मिल जाती चीज़ें, तो आप आगे फ्यूचर में ले सकते हो। और मेरा ये है कि यार अभी घर निकलूँगा, यहाँ से घर थोड़ा दूर है, आधा पौने घंटा लगेगा घर के लिए, तो घर जाके बस सब चेंज करूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा। सुबह से ही निकला हुआ था, सुबह से तो क्या दोपहर से निकला, तो सुबह भी थोड़ा काम से गया था, और बस यही है। ये देखो इधर उस साइड भी है स्टारबक्स वगैरह है, वो ट्रक चला जाए तो उसके पीछे देखो, और इधर है ये मिसिसागा में ही है जगह, मैं इसका आप सर्च कर सकते हो कि फैक्ट्री आउटलेट्स किधर है, तो आपको आ जाएगा। इधर कैनेडियन टायर भी है, इधर काफ़ी सारे हैं। तो कैनेडियन टायर में तो क्या ज़्यादा घर की जैसे सामान होता ना, वो इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा मिलती है। तो बस यही है, बाकी अभी बस लेके बस का वेट कर रहा हूँ, बस आ जाए फिर निकलता हूँ बस। ये देखो जिसकी बात कर रहा था ना मैं, देखो उस साइड भी काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, इधर भी पूरे आउटलेट्स हैं, और इस साइड भी है, इस साइड कैनेडियन टायर वगैरह जहाँ घर का सामान वगैरह मिलता है। और ये जी ये यहाँ पे पीछे पेड़ के पीछे की साइड वो है जहाँ मैं गया था अभी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत मतलब आसपास के सारे जो लोग हैं ना सिटी को, इस साइड ही आते हैं, ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे वाली जगह है, यहीं आके बढ़िया लोग शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। तो भीड़ भी खूब हो रखी है यहाँ पर, देखो खूब ट्रैफिक है। अभी तो मेरी बस का बस मैं वेट कर रहा हूँ, बस आ जाए तो फिर बस यहाँ से निकलूँगा। ज़्यादा दूर नहीं है घर यहाँ से, यहाँ से अराउंड 35-40 मिनट्स लगेंगे मेरे को, बस घर पहुँच जाऊँगा, फिर चेंज वेंज करके एडजस्ट करूँगा यार। चलो बाकी आए हो मतलब आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, छोटा सा वीडियो था, और बाकी अगर इन डेप्थ अगर चाहिए कि और भी आउटलेट मॉल्स के बारे में मैं आके बनाऊँ, तो मैं वो भी बना दूँगा जैसे जैसे, क्योंकि मैं भी सामान जब लूँगा तो मैं उनके बारे में और दिखाता रहा करूँगा कि कहाँ पर क्या मिल रहा है, कितने का मिलता है, कैसा मिलता है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल डेफिनेटली सी इन द नेक्स्ट वन। और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करके जाना, और कमेंट जरूर करना कि अगले वीडियो में आपको किस जगह के बारे में वीडियो चाहिए, मैं जरूर उसके बारे में बता दूंगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।